तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती माता की पूजा क्यों की जाती है। हालांकि ज़्यादातर जगहों पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी की भी पूजा की जानी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके पीछे भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। और काफ़ी सारी जगहों पर लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती जी की भी पूजा की जाती है, उसके पीछे की वजह क्या है उस बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी जी जो हैं वो धन संपदा, धन दौलत की प्रतीक हैं। और हम ये बात भी अच्छे से जानते हैं, जैसा कि आपने फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा कि धन दौलत जो है वो एक तरीके से हाथों का मैल होता है, क्योंकि वो जो चीज़ है या फिर धन संपदा जो है वो एक जगह कहीं पर भी टिकती नहीं है। क्योंकि एक तरीके से आपने थोड़ा सा भी मतलब एक तरीके से पैसा खर्च करना शुरू किया तो वो आपके हाथ में टिकेगा नहीं, दो मिनट रहा नहीं, यहाँ वहाँ खर्च हो गया और खर्च होकर ख़त्म हो गया। तो सोचिए, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान है या फिर किसी के पास पैसा कौड़ी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन वो दिमाग से पैदल इंसान है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो मन बुद्धि है, उसके पास दिमाग नहीं है कि पैसों को कैसे खर्च किया जाए, कहाँ खर्च किया जाए या फिर कहाँ खर्च नहीं करना चाहिए, पैसों का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे सूझबूझ के साथ उसको रखना चाहिए, अगर उसको उसकी अकल नहीं होगी, अगर उसको उसकी समझ नहीं होगी, तो चाहे वो जितना भी धन दौलत अपने पास रखे या फिर कहीं से भी वो लेकर अपने पास रख भी ले, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं वो इधर उधर उड़कर ख़त्म हो जाएगा। और बाद में अगर वो हिसाब लगाने बैठेगा भी तो भी उसको उसका हिसाब किताब नहीं मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि आप भी इसको समझ पा रहे होंगे या फिर खुद को इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे में जब हम सरस्वती जी की भी पूजा करते हैं तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सरस्वती जी जो हैं वो एक तरीके से बुद्धि का प्रतीक है, समझदारी का प्रतीक है, और उसी की वजह से तो हर साल हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं ताकि हमारे अंदर भी थोड़ी बुद्धि आए, थोड़ी समझ आए, ताकि हम भी थोड़े समझदार बने। तो कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान समझदार होगा, अगर किसी के अंदर बुद्धि होगी, क्षमता होगी, तो वो जो इंसान है वो पैसे जो हैं या फिर जो धन दौलत है उसका वो सही से सदुपयोग करेगा, बेकार में कहीं पर उसको वेस्ट नहीं करेगा। कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है, वो किसी जगह पर किसी भी चीज़ को देखकर लोभ लालच में नहीं फंसेगा, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करेगा, सही जगह पर उसका इस्तेमाल करेगा, और उस वजह से जो धन दौलत उसके पास आएगी लक्ष्मी जी की कृपा की वजह से, वो एक तरीके से उसी के पास रहेगी। और जो वो खर्च भी करेगा तो वो इस तरीके से खर्च करेगा कि वो उसी के काम में आए, उसकी धन संपदा जो पहले से ही है उसको और बढ़ाए, ना कि उसको घटाए। तो इस तरीके से यहाँ पर सरस्वती जी के साथ यहाँ पर लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है और करना भी चाहिए, जिसके पीछे की जो क्या वजह हैं वो मैंने आपको यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।